अबू मैं उसकी एक दो दोस्तों को जानता हूँ, यकीनन उन्हीं में से किसी एक के घर होगी वो। अभी तो मेरी शक्ल क्या देख रहा है, जा जाके देख। अगर वो राजी हो जाए तो मुझसे शादी करो। मुस्कान की इतनी सारी मिस कॉल्स। हेलो रियान, कहाँ हो तू? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ, कहाँ गायब हो? मैं गायब हूँ? मुस्कान तुम सुबह से गायब हो, इतनी कॉल्स की हैं, एक का भी जवाब नहीं दिया तुमने। रियान तुम्हें नहीं पता मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मंसूर अंकल मेरी जबरदस्ती हसन से शादी करवाना चाहते हैं, वो आज ही मेरा निकाह कर रहे थे, मैं बहुत मुश्किलों से घर से भागी हूँ। What, 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 what? शादी? निकाह? हाँ। मुस्कान तुम अभी किधर हो? मैं अनस के फ्लैट के बाहर सीढ़ियों पे बैठी हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। तुम जल्दी से आ जाओ, हम निकाह कर लेंगे, हम आज ही निकाह कर लेंगे। एक बार हमारा निकाह हो गया ना तो फिर हसन या खालू कोई कुछ नहीं कर सकेगा। रियान, रियान तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, बोलो। मुस्कान तुम्हें अभी घर नहीं ले जा सकता मैं। क्यों नहीं लेके जा सकते? मुस्कान दादाजी हॉस्पिटल में है, he is not well, मैं उन्हीं के साथ हूँ। मुस्कान प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दादाजी की जो हालत है मैं ऐसे में तुम्हें इंट्रोड्यूस नहीं करा सकता अपनी फैमिली से। तुझे थोड़ा वक्त दो, सही टाइम देख के मैं इंट्रोड्यूस करा लूंगा और निकाह अभी नहीं कर सकता। अब रियान तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती वरना खाला और खालू मेरी जबरदस्ती हसन से शादी कर देंगे। मुस्कान मैं कब कह रहा हूँ कि वापस जाओ, तुम जहाँ हो वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ ना, फिर मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। क्या मतलब क्या करना है? रियान मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें खोने के डर से अपना घर बार छोड़ कर आई हूँ, तुम मुझे अपने घर ले चलो, हम निकाह कर लेंगे। एक बार हमारी शादी हो गई तो सब लोगों को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, मैं मना लूंगी तुम्हारी फैमिली को। मुस्कान प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दादाजी की ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैं इस किस्म का कोई फैसला कर सकूं, डॉक्टर्स ने मना किया है उनको किसी किस्म के भी स्ट्रेस देने से। मुस्कान प्लीज लिसन टू मी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ रहा, बस सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी निकाह नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करता हूँ, फिर मिलके डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, देखते हैं ना। शेहान तुम मुझे समझ क्या रहे हो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जो बगैर निकाह के तुम्हारे साथ रह लेगी, तुमने ये सोचा भी कैसे? मुस्कान तुम गलत समझ रही हो, यकीन नहीं आ रहा, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे थे, मैंने तुम पे भरोसा किया, अपना घर बार छोड़ के तुम्हारे पास आई और तुम। मुस्कान तुम पता नहीं क्या सोच रही हो यार, तुम जहां हो वहीं रुको, मैं आ रहा हूं। कोई जरूरत नहीं है अब यहां आने की, मैं जा रही हूं। मुस्कान मुस्कान मैं आ रहा हूं ना, मुस्कान प्लीज, मुस्कान मंसूर बैठ जाएं, थक जाएंगे, पानी डो के बढ़ जाओ, उसमें जहर लग रही तुझसे, मुझे बेचारा गला तो जहां से मार दू तुझे,
तुझे पता है कि तेरी वजह से कितनी बेइज्जती हुई सबके सामने मेरी? मालिश भर की लड़की तुझसे संभाल ही नहीं गई, तेरे होते मुस्कान इस घर से गई तो गई कैसे? हाँ भाई, क्या पता चला? अबू, मैंने हर जगह मालूम किया, वो अपनी किसी दोस्त के घर नहीं है, यकीनन किसी के साथ भागी होगी वो। अब बता, क्या बताया था उसने? क्या नाम बताया था मुस्कान ने लड़के का? मैंने बताया ना मंसूर, उसने मुझे उसका नाम नहीं बताया, बस इतना ही कहा था यूनिवर्सिटी में उसके साथ पढ़ता है और वो उसके साथ। कहाँ रहता है वो अम्मी, कहाँ रहता है वो? हसान, कह तो रही हूं मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती। तेरी अकल पर मौतम करूं क्या करूं? अभी अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता, हमारे खानदान में बाहर शादियां होती नहीं। तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो, मुझे पागल बना रहे हो, है ना? मुस्कान, तुम किधर हो यार, फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? रेहान, तुम मुझे अपने घर लेकर जाओगे, मुझसे निकाह करोगे या नहीं? मुस्कान, तुम रो रही हो। मुस्कान, क्या हो गया है यार, मुझे तुमने इतने अचानक बताया है सब कुछ, मुझे खुद नहीं समझ आ रही ना मैं क्या करूं। मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रही हूं रेहान, तुम मुझसे निकाह करोगे या नहीं? मुस्कान, मैं निकाह नहीं कर सकता यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। तो फिर ठीक है, आज से मैं तुम्हारे लिए मर गई और मैं इस मोहब्बत के कफन दफन का बोझ भी तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगी। मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी मोहब्बत दफना रही हूँ। मुस्कान, लिसन टू मी। मुस्कान प्लीज। मुस्कान, तुम्हें लोगों की पहचान नहीं है, वादा जो तेरे प्यार का मुस्कान हो सका, जान लोगे बंदगी तो होगे ना फिर। तुम मेरे खानदान का हिस्सा हो, मेरा खून हो, इसलिए मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ रहोगी। हाथ वो कैसे जुदा, तन से हुआ जीवन मेरा। रियान भाई, डॉक्टर ने कहा ये इंजेक्शन कर लगेंगे। इस मोहब्बत के कफन दफन का बोझ भी तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगी, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी मोहब्बत दफना रही हूँ। रियान भाई, हाँ? सब खैरियत तो है ना? आप परेशान लग रहे हैं बहुत। मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रही हूँ रियान, तुम मुझसे निकाह करोगे या नहीं? बाद मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं, तुम दादाजी का ख्याल रखना। जी। इबाद। जी रान भाई। तुम यहीं रहना दादाजी के पास, जब तक मैं ना हूं कहीं जाना मत यार।
मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। जी बेहतर है। हेलो। हेलो, मैं मुस्कान बात कर रही हूँ। मुझे दादाजी से बात करनी है। पर बड़े साहब तो अभी आराम कर रहे हैं। कौन है? मुस्कान बीबी का फोन है। हेलो। दादाजी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आ रहा हूँ बेटा। रियान कहाँ? बड़े साहब वो तो किसी जरूरी काम से गए, मैं कॉल करता हूँ उन्हें। नहीं, जरूरत नहीं। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ बिलाल के घर चलो, मुझे बिलाल की बेटी को पिक करना है। अभी? हाँ अभी। मैं रेहान भाई को एक दफा कॉल कर लेता हूँ। नहीं, अभी मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। मुस्कान, तुम यहां क्या कर रही हो? चलो बैठो गाड़ी में। ये बात चलो बेटा। कहाँ हैं तुम्हारे खाला और खालू? दादा, उन लोगों ने मुझे अपने घर में कैद कर दिया था। वो मेरी जबरदस्ती एहसान से शादी करवाना चाहते थे। खाला, खालू, सब बहुत सालम हो गए। खालू तो निकाह खुआ को भी लेने चले गए। बहुत मुश्किल से घर से भागी हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारे खाला और खालू तुम्हारे साथ इस तरह करेंगे। खैर, मैं देख लूंगा उन्हें। आइंदा तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास रहोगी अपनी हवेली में। जी। बेटे घर की तरफ फेरो। निकाह करोगे या नहीं? मुस्कान, मैं निकाह नहीं कर सकता यार। Try to understand, please। वादा जो तेरे प्यार का
पूरा ना कभी हो सका, जान लोगे बंदगी तो होगे ना फिर जुदा। दिया जो तेरा साथ वो, थामा जो तेरा हाथ वो, कैसे जुदा तन से हुआ जीवन मेरा। दिया जो तेरा साथ वो, थामा जो तेरा हाथ वो, कैसे जुदा तन से हुआ जीवन मेरा। मुस्कान का फोन अभी भी बंद जा रहा है यार, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। मैंने उसको कहा भी था तुम्हारे फ्लैट पे रहे, पता नहीं कहाँ होगी अभी। मुझे तो लगता है कि मुस्कान ने गुस्से में आके अपना फोन ही बंद कर दिया। मैं ठीक ही कह रहा हूँ यार, तुम्हें मुस्कान को इस तरह से इनकार नहीं करना चाहिए था, भरोसा तोड़ा तुमने उसका। तो और क्या करता मैं, उसका हाथ पकड़ के घर वालों के सामने लेकर चला जाता, दादाजी को कहता कि मिले अपनी होने वाली बहू से, हमारा निकाह करा दें प्लीज। क्या बातें कर रहा है यार। हाँ वो तो दिख ही रहा है। बकवास बंद कर प्लीज। सब ये बता कि तेरा इरादा क्या, जाना कहाँ है? मुस्कान के घर। क्यों, वो तुझे क्या लगता है कि हम इस तरह मुंह उठा के मुस्कान के घर जाएंगे और मुस्कान के घर वाले हमारा वार्म वेलकम करेंगे? तू जाना क्यों चाहता है वहां पे? मैं बस ये पता करना चाहता हूँ कि वो खैरियत से पहुंची है या नहीं। I'm worried. और अगर मुस्कान हमें वहां ना मिली तो क्या करेगा तू? मैं फिर भी जाऊंगा मुस्कान के पास। चल फिर। अलिश तुम ये क्या लगी हुई हो, छोड़ो भी इसे। हलाइबा ये देखो मैंने फूल बनाया, कैसा लग रहा है? एकदम बकवास। तुमने भी ना इन फूलों में बिल्कुल अपनी तरह के रंग भरे, फीके और अजीब से। फूफो जी ने मुझे यही रंग ला कर दिए थे। फूफो जी की तो खुद भी जिंदगी बेरंग है और वो हमारी भी ऐसे ही कर देंगे। भाई फूलों के रंग तो गहरे अच्छे लगते हैं, जैसे कि नीले, गुलाबी, लाल, ये भी कोई रंग है। और अलिश्पा वैसे भी जिंदगी में रंग अच्छे लगते हैं, फिर चाहे वो फूलों के हों, खुशी के या मोहब्बत के। यार बाप तुम ऐसी बातें मत किया करो, मुझे डर लगता है। ओफो अलिश्पा क्या करूंगी मैं तुम्हारा, बहुत ही बोरिंग हो तुम। नसीमा जी, अरे अपने हाथ दिखाओ, इतनी खूबसूरत मेहंदी, कितनी प्यारी लग रही है। अलिश्पा ये देखो कितनी अच्छी लग रही है। हाँ बहुत अच्छी लग रही है। तो वो जी मेरी छोटी बहन की शादी थी ना, मैंने खुद लगाई है ये मेहंदी, आपको अच्छी लगी? बहुत प्यारी लग रही है। तुम्हें पता है नसीमा मेरा इतना दिल करता है कि मैं भी इसी तरह अपने दोनों हाथों पे पैरों पे मेहंदी लगवाऊं। ये क्या मुश्किल काम है लाइबा बेबी, कल मैं ऐसा करूंगी अपने घर से मेहंदी ले आऊंगी, फिर मैं आपके हाथों में खुद लगाऊंगी मेहंदी। तुम लगा दोगी? हाँ जरूर, क्यों नहीं। कौन लगा रहा है मेहंदी? फूफो जी देखे ना नसीमा के हाथों में कितनी अच्छी लग रही है मेहंदी, ये कह रही है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा कोन है, कल लेकर आएगी और मुझे भी लगा देगी। कोई जरूरत नहीं है, मेहंदी सिर्फ शादियों पे अच्छी लगती है, समझ आ गई तुम्हारे? फूफो लेकिन हमारे यहाँ तो शादियां होती ही नहीं है, ना आपकी हुई और ना ही शायद हमारी होगी। मेरे खानदान में मेरे जोड़ का कोई लड़का था ही नहीं, इसलिए मैंने शादी नहीं की। और वैसे भी मैंने इस खानदान की इज्जत की खातिर अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी दी है। इस बात को तुम दोनों अच्छे तरीके से समझ जाओ। फूफो लेकिन मेहंदी तो लगा सकती हूँ ना? एक बात को एक दफा में समझ लिया करो, बहस मत किया करो। अब बस करो ना सफाई, जाओ जाके चाय लेकर आओ मेरे लिए। जी ठीक है बेगम साहब। कहां तक बनाया दिखाओ। सीख गई हो।
रोक रोक यहीं रोक, घर से पहले रोक, यहीं पे रोक। अरे सुन, अब क्या है? एक बार अच्छी तरह सोच ले। मुझे लगता है कि तुझे इस वक्त मुस्कान घर पे नहीं जाना चाहिए, वरना पिटेगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है मुस्कान के अलावा, अपनी भी नहीं। अच्छा सुन मेरी बात, क्या है? तेरी जगह मैं जाता। देख मैं ठीक कह रहा हूँ, हमें सिर्फ मुस्कान का ही पता करना है ना, और अगर तू जाएगा मुस्कान तुझे देखेगी, गुस्से में आके तुझसे बात ना करे तो फिर, इसलिए मेरा जाना और बात करना ज्यादा बेटर है। ठीक है? ठीक। करेंसी इंटरन बैंक डॉलर 1 रुपए 20 पैसे सस्ता, हमें क्या फर्क पड़ेगा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है तुम्हारा, किससे मिलना है? मैं मुस्कान से मिलना था, मैं उसका क्लास फेलो। मुस्कान से मिलना है? अंदर आ भाई। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वो मुस्कान को प्लीज बुला दीजिए, एक्चुअली मेरी असाइनमेंट है उसके पास और कल मेरा टेस्ट है, तो मुझे टेस्ट की तैयारी करनी है। काफ़ी देर से फ़ोन कर रहा हूँ उसे, मैं उसका नंबर बन जा रहा है। बहुत ही मजबूरी में यहाँ पे आया हूँ। राम ने आना था मेरे। अच्छी इधर पीता खाओ, झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है मुझसे, है पागल समझा हुआ है? मुस्कान गए। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल, मुस्कान मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ क्यों होगी वो? कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो मेरी बच्ची को भगा के लेके गया ना मुस्कान को, है अजय भूल जाओ ना, कुछ चुपचाप बता दे कहाँ लेके गया उसे। नहीं सर, कहाँ रखा है मेरी भांजी को? देख मेरी बात सुन ले, मेरी बात समझ ले आराम से, जो पूछ रहा हूँ आराम से मुझे बता दे, वरना तेरी वो हालत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा तू। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे साथ नहीं है मुस्कान, मेरे साथ क्यों होगी मुस्कान? कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठी बोल रहा? झूठे बोल रहा तू? नहीं सर, झूठ नहीं बोल रहा। दादा इधर आ, इधर आ। तू ये मुस्कान का दोस्त है ना, जिससे वो प्यार करती थी, पहले तो उसे भगा के लेके गया, अब तू यहाँ आके हमारे सामने ड्रामा कर रहा है ताकि हमें तेरे पे शक ना हो। क्या समझ रहा था तू कि हमें पता नहीं है? इतना अच्छा हुआ कि तू कुछ चल के मेरे सामने आ गया, अब तब का है। बोल मंसूर, छोड़े उसे, क्या कर रहे हैं? अबू छोड़े उसे, ये सब क्या हो रहा है? छोड़े उसे, मुस्कान के अंकल हैं आप, इस वजह से आपका लिहाज कर रहा हूं, वरना हाथ मेरा भी उठ सकता है। हाथ उठाएगा उसने, हाथ उठाएगा मुझ पे, उठा हाथ, बस बहुत हो गया। क्या हो रहा है ये सब, कोई मुझे भी बताएगा? और कौन है ये लड़का? अबे नजर नहीं आ रहा तुझे? मुस्कान का वही यूनिवर्सिटी वाला दोस्त है जिसके साथ मुस्कान भागी है, अब मेरे सामने खड़ा, मीसा बना हुआ खड़ा है मेरे सामने। अब्बू ये वो लड़का नहीं है, मैं उस लड़के को पहचानता हूं, मैंने उसको और मुस्कान को एक बार साथ जाते हुए देखा था, नहीं है ये वो लड़का। जाओ यार तुम प्लीज, जाओ यहां से, तुम जाओ यहां से प्लीज, जाओ जाओ बेटा। अब्बू क्या कर रहे हैं?
शरम। अबू बैठे हैं आप, बैठे। अब्बा जी आप कहाँ चले गए थे? मैंने कितने फोन किए, किसी का भी फोन नहीं मिल रहा था। आपको तो डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा था ना हॉस्पिटल में, फिर इस तरह अचानक कहाँ चले गए आप? आओ बेटा अंदर आओ। आ जाओ, शर्मा मत, आ जाओ। शाबाश, ये है तुम्हारा अपना घर। ये लड़की कौन है अब्बा जी? ये बिलाल की बेटी है। क्यों लेकर आए हैं अब्बा जी से यहाँ पे आप? तबस्सुम, जी अब्बा जी। गेस्ट रूम को अच्छी तरह से साफ करके सेट कर लो। मुस्कान अब यहाँ रहेगी हमारे घर में, हमारे साथ। चलो जाओ बेटा, जाओ। पता नहीं कहाँ गई होगी यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। मुस्कान अगर अपने घर में नहीं है तो कहाँ गई होगी? तुझे अपनी दोस्त की परवाह नहीं है, तुझे मुस्कान की फिक्र है। पिट के आया हूं तेरे लिए। मुस्कान यार, अनस, आई एम रियली सॉरी यार, एंड थैंक यू। तेरा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा, प्रॉमिस। गुड, जरा सोच, अगर मेरी जगह तू होता तो क्या हशर करते वो लोग तेरा? उसका कजन जानता है तुझे, तुम दोनों को साथ देखा हुआ है। पर मुस्कान कहाँ होगी अभी? घर पे नहीं तो कहीं तो होगी, लेकिन वो कहीं कहाँ होगी यार? नहीं, किसी रिश्तेदार के घर गई होगी यार। और वैसे भी तू कहाँ जानता है उसके खानदान वालों को? अजीब बात है यार, मैंने और मुस्कान ने कभी भी अपने खानदान वालों का जिक्र ही नहीं किया। It's weird. Sorry. तू भी मारेगा मुझे? नहीं, sorry. हाँ? दवाई लो। नहीं, नहीं चाहिए। तू टेंशन ना ले, मुस्कान का गुस्सा ठंडा होगा तो कॉल करेगी तुझे जरूर। Hopefully यार। बड़ा भारी आता है। पहले तो ये लड़की यहाँ आ नहीं रही थी, फिर अब कैसे आ गई? इसके पीछे भी कोई ना कोई साजिश है। मुझे तो लगता है कि इसकी खाला ने ही मुस्कान को बहका कर यहाँ भेजा है। शक्ल से तो बहुत भोली लगती है बेगम साहिबा। इसके यहाँ आने का कोई ना कोई मकसद जरूर है। अब्बा जी की आंखों में धूल झोंक सकती है ये, मेरे नहीं। शाहजेब कहाँ है? जाओ जाके बुला के लाओ, मुझे बात करनी है उससे। बेगम साहिबा वो घर पे नहीं है, बाहर गए हुए हैं। हाथों में जोर नहीं है, सही से दबाओ ना। मुस्कान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, पर अभी अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकता। हमारे खानदान में बाहर शादियां होती नहीं। मुस्कान, मैंने कहा नहीं कर सकता यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज।
जाल भी मैंने फेंक दिया। कोई है? कोई है? दादाजी, पप्पू। मैं पूछ रही हूँ, कोई है? दादाजी, इस घर में कोई नहीं है जो मेरी आवाज सुन रहा हो। दादाजी, दादाजी, कोई है? कोई है? कौन हो तुम? आप कौन है? टॉर्च पीछे करें। ये मुस्कान है, बिलाल चचा की बेटी। मुस्कान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ चाहिए था तुम्हें? बिल्कुल अंधेरा हो गया था। आपके पास कोई टॉर्च या मोमबत्ती है? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं भिजवाती हूँ। शुक्रिया। सुने, बाद मैंने तुमसे कहा था ना दादाजी का ख्याल रखना, उनको हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाने देना, कम से कम मुझे कॉल तो कर लेते यार। रियान भाई, मैंने बड़े साहब को कहा था बताने का, मगर उन्होंने मना कर दिया। मैं उनके सामने क्या ही कह सकता था। मना कर दिया क्या मतलब? कहाँ गए हैं? किसका फोन आया था? कुछ तो बताओ। बड़े साहब बिलाल साहब की बेटी को लेने गए थे रियान भाई। बड़े साहब उनको अपने साथ घर ले आए हैं। व्हाट, ये क्या कह रहे हो तुम? वो लड़की दादाजी के साथ घर कैसे आ सकती है? ये तो मुझे नहीं पता, मगर वो अब यहीं पे ही है। अच्छा, ठीक है। ए लड़की, बाहर आओ। जी। अब्बा जी जब तुम्हें लेने के लिए आए थे, उस वक्त तुमने उनको बड़ा नखरा दिखाया था। अब मुंह उठा के हमारे घर में आधी रात को घुस गई हो क्या? क्या समझ लिया है तुमने हमें? हाँ, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि इस घर से निकल जाओ। मुझे यहां पर दादाजी लेकर आए, अब उन्हें बुलाएं? उनकी इजाजत के बगैर मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। अब्बा जी इस वक्त घर पर नहीं हैं। तो फिर ठीक है, जब तक दादाजी नहीं आएंगे मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तो फिर मैं भी देखती हूं कि तुम इस घर में रहती कैसे हो। निकलो इस घर से। क्या कर रही हैं आप? छोड़े मेरा हाथ, प्लीज छोड़े मेरा हाथ। निकलो इस घर से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपसे कह रही हूँ ना, दादाजी को आने दे। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैंने कहा है इस घर से निकलो। छोड़े, निकलो। क्या कर रही है? छोड़े इसे। चुप, बिल्कुल चुप। प्लीज इन्हें समझाओ, मैं चली जाऊंगी लेकिन दादाजी को आने दे। निकलो इस घर से। फूफो, फूफो, अगर वो कह रही है कि वो चली जाएगी बाद में, तो दादाजी का तो आने का वेट कर ले। खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो। एक बात याद रखना, इस घर में इस लड़की की हिमायत में किसी ने कोई भी बात कही ना, तो ये मत भूलो
कि ये तो जाएगी इस घर से, लेकिन तुम लोगों ने इसी घर में रहना है, समझ आ गई ना? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? मैं चली जाऊंगी लेकिन इस वक्त मैं कहां जाऊं? मैं नहीं जा सकती, छोड़े निकलो। हाथ छोड़े उसका। मैंने कहा हाथ छोड़े उसका। ये लड़की इस घर से नहीं जाएगी। तो बस तुम इसे कमरे में लेकर जाओ।